नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रैक्टर नगर पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर संबंधित और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग संबंधित जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल पर और भी वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहती हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हमने इस टॉपिक को लिया हुआ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी हो, मैकेनिक हो, जो समझना चाहता है कि इंजन की कूलिंग सिस्टम कैसी होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, जो हमने यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लिया गया है वह है वाटर कूलिंग सिस्टम। इंजन का वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे होता है, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कैसे इसकी वर्किंग प्रोसेस है, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, पूरा समझाने की इसमें कोशिश हम करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप करते ही रहते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कूलिंग सिस्टम ऑफ इंजन, यानी इंजन के कूलिंग सिस्टम को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। कूलिंग का मतलब आप समझिए कि ठंडा करना किसी चीज़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ अलग है। कूलिंग सिस्टम का मतलब ये नहीं कि ठंडा करना बिल्कुल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इंजन अगर ठंडा हो जाएगा तो उसकी जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी या इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या है, कूलिंग सिस्टम का मतलब ये है, इसका लक्ष्य उद्देश्य ये है कि जो इंजन है, यानी जो ये इंजन है, इसके टेम्परेचर, यानी इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है, लगभग 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 85 डिग्री सेल्सियस इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो ये काम होता है कूलिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं, क्या क्या इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लगा हुआ है रेडिएटर। सबसे बड़ी चीज़ वाटर कूलिंग सिस्टम में, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है, इस चीज़ का काम। ये जो बंदा आपके सामने दिख रहा है, इसी का सारा कुछ किया धरा गया होता है। मतलब रेडिएटर ही मुख्य रूप से इसका एक पुर्जा है, पार्ट है। तो इसमें ही सारा सिस्टम दिया गया होता है। सिस्टम ये जैसा कि आप देख सकते हैं, रेडिएटर है ये पूरा, और रेडिएटर में अपर टैंक लगा हुआ है और एक लोअर टैंक है। ऊपर वाले को अपर टैंक बोलेंगे और नीचे वाले को लोअर टैंक बोलेंगे। इसमें देखेंगे आप, एक जाल टाइप का बना हुआ है, तो इसको कहते हैं फिंस, रेडिएटर के फिंस। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे फिंस। अब फिंस का भी काम अलग है, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंट देख लेते हैं, अपर टैंक, फिंस और लोअर टैंक। उसके बाद में ये आपको हाउस पाइप दिख रहा है। हाउस पाइप के बाद ये वाटर यहाँ पे आता है, यहाँ पे लगा हुआ है वाटर फैन, ठीक है। यहाँ पे वाटर पंप लगा हुआ है और फैन लगा हुआ है। अब यहाँ पे आप आगे देखेंगे, एक बाईपास गैलरी बनी हुई है, थर्मोस्टेट वाल्व है और यहाँ पे वाटर जैकेट्स हैं, ठीक। इतना काम हो गया यहाँ पे कंपोनेंट के बाद। अब काम कैसे करता है तो ये देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से रेडिएटर जो कैप है उसको खोला, यहाँ से पानी डाला इसमें, ठीक है। यहाँ पे पानी हमने डाल दिया। चलिए अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं। पानी डाला इसमें, तो इसमें क्या होता है, ये फिंस जो बने होते हैं, फिंस में गैलरी बनी होती है, तो गैलरी के माध्यम से ये पानी जो है नीचे आता है। नीचे आएगा कहाँ पर, लोअर टैंक में, ठीक। अब लोअर टैंक में आएगा और यहाँ पे जो फैन है वाटर पंप, ठीक है, वाटर पंप जो है को ड्राइव मिलती है क्रैंकशाफ्ट से, यानी इंजन से मिलती है। इंजन जब चलेगा तो ये भी चलेगा। जब ये चलेगा इसमें इंपेलर लगे होते हैं और इस पानी को ये क्या करेगा, खींचेगा, सक करेगा। जब ये पानी को यहाँ से सर्कुलेट होगा, खींचेगा, तो ये आगे की तरफ बढ़ाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर जैकेट्स लगी होती हैं, गैलरी लगी होती हैं, तो उसके माध्यम से यहाँ पे जो इंजन होते हैं, यानी यहाँ लाइनर जो होता है, ये आप देखेंगे इसको लाइनर बोलेंगे, ठीक। तो ये जो लाइनर है, लाइनर के बीच में ये पिस्टन चलता रहता है, पिस्टन हीट उत्पन्न होती है। तो होता क्या है कि जो वाटर जैकेट्स में जब जाता है पानी, तो इसको ठंडा करता है, यानी कि इसके जो टेम्परेचर होता है 85 डिग्री सेल्सियस का, उसको मेंटेन करके रखता है सभी गैलरियों, सभी वाटर जैकेट्स में बारी बारी से ऐसे जाता रहता है, ठीक है। अब इतना काम हो गया यहाँ का वाटर पंप का। यहाँ पे फैन लगा हुआ है, फैन का काम अभी आगे बताते हैं हम आपको। फिर यहाँ से पानी जब धीरे धीरे यहाँ आया और हीट हुआ, अब हीट हुआ जान रहे हैं आप, जब पानी गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है,
तो हल्का होने के कारण ये ऊपर चला आया। यहाँ पर चूंकि नीचे ठंडा पानी है और ऊपर गर्म पानी है तो ये ऊपर आ जाएगा। अब ये पानी तब तक इसी में आता रहेगा, यहाँ पर देखेंगे एक बाईपास गैलरी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे तो ये पानी जो गर्म हुआ रहेगा थोड़ा बहुत, ये इसी से गैलरी से वापस इसी माध्यम में, इसी से वाटर जैकेट्स में फिर से वापस आ जाएगा। कब तक? जब तक कि इसका टेम्परेचर 72 डिग्री से इस खुलना स्टार्ट हो जाता है। ये थर्मोस्टेट वाल्व का काम हो आता है, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है, ये 72 डिग्री सेल्सियस से खुलना स्टार्ट हो जाता है, 72 डिग्री सेल्सियस से, और ये पूरी तरीके से 82 डिग्री सेल्सियस पर ओपन हो जाता है। यानी जब पानी का टेम्परेचर 82 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से खुल जाएगा, और जब खुल जाएगा तो ये पानी सीधा अपर टैंक में वापस चला जाएगा। ये जो गर्म पानी है बिल्कुल, ये अपर टैंक में वापस चला जाएगा, और तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक कि 82 डिग्री सेल्सियस हो नहीं जाता। तो यहाँ पर आ गया गर्म पानी, ठीक, यहाँ पर रेडिएटर कैप बंद है। अब ये पानी फिर से नीचे आएगा, ठंडा कैसे होगा? ठंडा जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे फिन्स लगी हुई हैं। अब यहाँ आता है काम वाटर फैन का, फैन यहाँ चल रहा है, ठीक है, फैन यहाँ चल रहा है तो ये बाहर की हवा को जो है सक करता है, ठीक है। जब बाहर की हवा को सक करेगा तो जो बाहर की हवा ठंडी हवा रहेगी इस पे आके गिरेगी, इस फिन्स पे आके गिरेगी ये हवा, ठीक है, और जब गिरेगी तो ये जो गर्म पानी रहेगा उसको ये ठंडा कर देगा, और जब लोअर टैंक में जब आएगा ये पानी तो ठंडा हुआ रहेगा, तो फिर से यही पानी वापस सर्कुलेट होता जाएगा। तो इस तरीके से इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस है कि कैसे ये वाटर कूलिंग सिस्टम काम करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।